ओ पूरे गिर जाएंगे, अरे बाप रे। चलो चलो चलो, क्या बात है, स्पीड पकड़ ली गाड़ी अभी तो। ये पापा ने फेंके, क्या बात है। ओके सो हेलो गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। माय नेम इज़ अक्षत एंड यू आर वाचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ। तो आज हम जाने वाले हैं भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। मम्मी और पापा को हम गो कार्ट चलाने ले जाने वाले हैं और बॉलिंग वगैरह भी करेंगे। यहाँ पे एक NIBM करके कोंडवा में, पुणे में जो है उनको पता होगा। सो बस कैब आने वाली है नीचे, मैं कैब का वेट कर रहा हूँ। नहीं भाई बहुत मज़ा आने वाला है। मम्मी ने आज तक अभी गो कार्ट, वो नहीं होती चार से छोटी छोटी गाड़ियाँ, वो कार्ट वाली, वो चलाएंगे, बॉलिंग वगैरह करेंगे, थोड़े यू नो मस्त टाइम स्पेंड करते हैं। लेट्स गो। चलो तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, उधर से आएगी कैब, मेन रोड पे आ चुके हैं। और आज गणेश चतुर्थी है तो बस कैब का वेट करते हैं। वर्टिगा की हुई है क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली चार लोग हैं और छोटी कैब में आते नहीं, तो बड़ी कार की है भाई ऊबर में। लेट्स सी, यहीं बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। तो भाई चलो कैब आ चुकी है, चला जाए। चलाओगी ना गाड़ी मम्मी? चलाएंगी। चलो नहीं बनेगा तो उतर जाएगा। उतरने नहीं रहता वहाँ पे, ट्रैक है पूरा, वहाँ उतरने का नहीं रहता कुछ भी। बैठ गए तो बैठ गए। बेसिक स्कूटी नहीं चलाते आती मम्मी, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्या बोलते हैं उसको, स्टीयरिंग। हाँ चलो भाई, तो यहाँ पहुँच चुके हैं। दिस इज़ क्लोवर हिल्स प्लाजा। यहाँ पे बहुत कुछ है, देखते हैं एक करके। KFC, भूख लगी है यार, पहले मेरे को सच में भूख लगी है, पहले कुछ खाएंगे फिर उसके बाद मम्मी को गाड़ी चलवानी है यार। आज KFC है, देखते हैं। यहाँ पे राइस बाउल वगैरह खा लूँगा मैं, कुछ बर्गर वगैरह मिला तो। भूख लग रही है क्योंकि कुछ खाया नहीं लंच। सो लेट्स गो। तो अभी हम KFC आ चुके हैं और यहीं पे खाएंगे अपना, क्या बोलते हैं, राइस बाउल और एक मम्मी के लिए। क्या खाने वाली मम्मी तुम? क्या खाने वाली? बर्गर। हाँ बर्गर, हाँ बर्गर ही बोलते हैं। हाँ, और 10 रुपये आपको और देने थे। चलो भाई तो इसको खाएं। लो मम्मी तुम्हारे बर्गर, वेज। अब टेस्ट कर सकते हो आप, सब वेज है। खाओ ना, इसको निकालो। दो पैटी है इसमें। बढ़िया। खाओ। KFC में भी खाना खा लिए हैं, बढ़िया। अब जा रहे हैं गाड़ी चलाने। क्यों मम्मी तुम चलाओगी गाड़ी? हैं पापा आप भी चलाओगे? कैसे चलाते हैं, कैसे ड्राइवर हो आप लोग, हैवी ड्राइवर हो या नहीं? ओके तो ये है हाई ऑक्टेन और वो चल रही गाड़ी, वो देखो चला तो रही दीदी। मम्मी चलाओ, तुम भी चलाओगी। P1। ये क्या बात है भाई। चलो आओ, काफ़ी लंबा ट्रैक है। चलो भाई तो देखें भाई कैसा सीन है, कितने का है, क्या है, सब बताता हूँ। तो ये है हाई ऑक्टेन, पुणे में कोंडवा में पड़ता है। अगर आप गूगल में डालोगे तो आपको मिल जाएगा। 350 रुपीज़ में 10 लैप्स हैं, 600 में 20 लैप्स हैं। और ये चल रही है गाड़ी भाई, मम्मी भी चलाएंगी, देखते हैं। पापा कहाँ गए? ये सब बाथरूम में जाते रहते हैं। अरे यार तुम वीडियो में ही बोल दो ये सारी चीजें, है ना। चलो अभी कटवाते हैं टिकट। और मेरे को नहीं लगता है ज़्यादा तेज चलती होगी ये। को गाड़ी दिखाता हूँ मैं, ये है गाड़ी, देख सकते हो। बहुत कुछ भी नहीं है इसमें, एक्सीलेटर, ब्रेक और स्टीयरिंग, दैट्स इट। छोटी सी प्यारी सी। कटवाते हैं इसका टिकट। 4 कटवा लें भैया। गाड़ियाँ इतनी ही धीरे चलती हैं कि जितनी चला रही हैं और तेज चलती है। तेज चलती है ना। एक 600 और 3 350। 350 में 10 लैप्स आएंगे और 600। लैप्स आपका कितना बड़ा है? लैप कितना बड़ा है? यहाँ से वहाँ तक पूरा ऐसे। एक लैप हुआ। हाँ ठीक है, तो आप 350 वाले 3 कर दो, 600 वाला 1 कर दो। चार। चारों भरना पड़ेगा? नहीं, एक मैं भर दूसरे। फॉर्म में है कि अगर आपकी गाड़ी तोड़ोगी तो फिर पैसे भरने पड़ेंगे। हम नहीं चलाएंगे। हम कभी नहीं चलाए हैं। नहीं धीरे धीरे चलाना है, कुछ नहीं है, स्कूटी है पूरी। अरे तो जो लड़कियां चला के आ रही हैं यार मम्मी, वो स्कूटी चलाती होगी। तुम स्कूटी चलाते नहीं आती है? जुपिटर नहीं चलाती हो घर में? चलो आप गाड़ी चलाओ, आप वो सब अब मत सोचो, अभी गाड़ी चलाओ। मत पहनो हेलमेट ना, सब वही हेलमेट पहनते होंगे। बैठो तुम, ये पर्स लो, पर्स पकड़ मम्मी का। हाँ बैठो, यस बैठ गई। हाँ ये ब्रेक है। सीट बेल्ट पहनो बाबा। तो हाथ डाल दो बस, वहाँ से भी, उस तरफ से भी। ये ब्रेक है। हाँ और ये एक्सीलेटर है। तो भाई फ़ोटो ले ली जाए ज़रा, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, कैप्चर द मोमेंट्स। इधर देखो पापा मम्मी, रुको ना पापा, गाड़ी आगे लाओ, फिर उसके बाद थोड़ा आगे लाओ क्योंकि फ़ोटो ले लूँ एक। चलो चलाओ, ब्रेक छोड़ो। हाँ हाँ लेफ्ट लाइक मम्मी, लेफ्ट। हाँ चली चली चली, चलाओ चलाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। चलो चलो चलो, मोड़ो मोड़ो, चलो बढ़िया। भैया इसकी टॉप स्पीड कितनी है? 40, मतलब चलती है बढ़िया, भगती है। आपके ऊपर है कितना चलाना। ओके मैं तो बहुत धीरे चला रहे हैं ना। हाँ अभी मम्मी को एक्सीलेटर दबा, छोड़ना नहीं है। हाँ ब्रेक दबा और बार बार दबा नहीं है। अभी मम्मी के हाथ जम गए थोड़े, भी चला रही है देखो। मम्मी एक्सीलेटर दबाओ जोर से, भगाओ भगाओ भगाओ, एक्सीलेटर छोड़ना नहीं बार बार। हाँ भगाओ 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 बेटे, बेटा मौज कर दी। हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ये मम्मी स्पीड में। अरे भगाई भगाई भगाई, अब हाथ बैठ गए थोड़े। बेस्ट है यार। तो अगर ये आप पुणे के आसपास कहीं रहते हो तो मतलब मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, बढ़िया चीज़ है। अपने पेरेंट्स को लाओ, मतलब ये अलग एक्सपीरियंस है, ये अच्छा है। अपन तो आके घूमते फिरते दोस्तों के साथ मज़ा आती है। मम्मी पापा को भी लाओ भाई, मम्मी को और पापा को, और तुम्हारे दादा दादी हो तो उनको भी चलवाओ, मैं तो बोलता हूँ भाई। और 10 लाख बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरे को बहुत रीजनेबल लग रहा है, यहाँ का प्राइस बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। गाड़ी की मतलब सीट वगैरह भी बहुत अच्छी है, कुशनिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिक है ये, और बस 3 चीज़ें इसमें, एक्सीलेटर, ब्रेक और स्टीयरिंग। कोई दिक्कत नहीं है भाई, छोटे छोटे मस्त चक्के हैं इसमें, MRF के टायर लिखे हुए हैं। और ये जा रही वापस, चलो 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 चलो। बढ़िया बढ़िया। तो 40 की स्पीड तक मैक्सिमम जा सकती है ऐसा बता रहे हैं भैया। बढ़िया यार। अब 3 ही गाड़ियाँ हैं तो मैं और मेरे भैया बाद में निकलेंगे। हम लोग पहले मम्मी पापा घूम के आ जाएँ। 4 लैप हो गए हैं, 10 लैप हैं, 300 साढ़े 300 में। सो काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी बढ़िया है। तो जिसको भी आना है यहाँ पे पुणे के आसपास, ये आप देख सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है, आप अवेलेबिलिटी वगैरह सब कुछ पूछ सकते हो। हाई ऑक्टेन करके ये देख लो, नाम वगैरह पढ़ लो, एक्सपीरियंस, और ये व्हाट्सअप नंबर है इनका। तो पुणे के आसपास अगर पुणे में रहते हो तो डेफिनेटली दिस थिंग यू शुड ट्राई। वायर मम्मी तो बढ़िया चला रही हो। चलो भाई, तो आ गए, वापस आ गए, वापस आ गए। रोक दो मम्मी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। क्या बात है, पापा भी आ गए। कैसा रहा मम्मी, मजा आई है? कोई बस कार चला रहे तो कोई दिक्कत हो ना। सही है। हाँ कैसा हुआ, मजा आई? बढ़िया। हाँ बढ़िया बढ़िया है। तो एक बार हाथ जम गए तो फिर सही लगता है। चलो हमारी बारी। क्या बात है मम्मी, तुम तो है स्पीड में चलाने लगी बाद में। है कार जैसे तो है, कार टाइप तो है पूरा। हैं कार टाइप है, जैसे कार चलाते हैं वही तो। मौज कर रही, हैवी ड्राइवर हो गई तुम तो। चलो हम लोग जाते हैं अभी, चलते भाई, चलाते हैं गाड़ी। तो ये मेरा भी भाई आ रहा है, मेरे लैप्स ख़त्म हो चुके हैं। क्या बात है भाई, बहुत फास्ट भगती है यार ये गाड़ी, यहाँ बहुत फास्ट है। चलो तो मेरे भाई का भी ख़त्म हो गया है। इसके थे 20 लैप, हम लोग के थे 10-10। कैसा रहा, मज़ा आई? मज़ा आ गया, एक नंबर एक नंबर। हवा में उड़ा है ना, बहुत तेज़ चलती है यार। 40 की स्पीड इतने छोटे से एरिया में बहुत बहुत होती है। मज़ा आ गई। तो अब चलते हैं नीचे, कहाँ बॉलिंग करने चले। चलो नीचे बॉलिंग करने चलेंगे। ओके तो कार वगैरह चला ली हमने, बढ़िया गो कार्ट। अब हम लोग आए हैं यहाँ पे हाई ऑक्टेन के गेम वाले एरिया में। यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खेलने के लिए, बट हमारा मेन जो पर्पस है खेलना वो है बॉलिंग का। तो मम्मी पापा कभी ने बॉलिंग नहीं करी है। बॉलिंग इसके लिए यहाँ पे शूज़ 300 है एंड 20 थ्रोज मिलते हैं 300 रुपीज़ में। तो शूज़ चेंज करने उसके लिए पापा भी शूज़ पहन रहे हैं मम्मी। तो बढ़िया, ये है सामने बॉलिंग का। तो 20 थ्रोज मिलते हैं 300 में, 300 पर पर्सन है, तो ये भी करते हैं। और हम लोग जो गाड़ी चला के आए हैं ऊपर, उसमें हम लोग को 2 टिकट्स फ्री मिली कोई भी 2 गेम। तो उसमें एक आइस हॉकी और एक कार वाला, ये 2 चीज़ हम लोग उसमें रिडीम करेंगे। देखो ये बॉल है, ठीक है, यहाँ पे 3 उंगली फंसाते हैं इसको। दो मोबाइल अभी छोड़ो तुम 2 मिनट के लिए। हाँ 3 उंगली डालो ऐसे करके, हाँ इसको फेंकना पड़ता है और वो नीचे वहाँ पे जो गोटी उनको गिराना पड़ता है, ठीक है। हल्की बॉल भी है, उसमें कुछ प्राइस मिलता है नहीं, है बस खेलने के लिए। ये थोड़ी हल्की बॉल है। नाम लिख के आ गया मेरा, ये देखो अक्षत, संगीता और नवनीत, हम तीनों के बीच में कॉम्पिटिशन है, ठीक है, कौन कितनी गोटियाँ गिराता है। ये देखो अक्षत, अभी मेरी बारी है, फर्स्ट मेरा चांस है, तो वहाँ पे मेरा लिख के रख। पापा पैसा ले लूँगा। तो कौन सा वाला इसमें सर? ये वाली लेन में अभी आपका गेम चालू है। हाँ आपको बॉल, हल्की बॉल कौन सी है जो मम्मी फेंक सके? ये वाला, ये वाला हल्का है, ठीक है। ये तीनों लाइट वेट है, ओके। आपको बॉल ऐसे हो, वो हल्की गोटी पकड़ो। हाँ कैसे बताया उनने, ये वाली नहीं, ये 2 उंगलियाँ बीच में। हाँ चलो मारो, तुम्हारी बारी, तुम्हारा नाम पे देखो, चलो फेंको। वो 2 चांस है ना, एक चांस में। हाँ चलो, हाँ फेंको। अरे देखो कि 3 गोटियाँ गिरी। अब देखो वहाँ 3 गोटी लिख के आएगा वहाँ पे, देखो कौन कौन सी गिरी। एक और चांस है तुम्हारी मम्मी, फेंको। और बॉल यहीं से वापस आती रहती हैं। मेरे बॉल से रिकॉर्डिंग करो ना। हाँ मैं कर रहा हूँ। इसके बाद तुम्हारी 20 चांस है मम्मी, हम लोग को 1 घंटा लगेगा खेलने में। चलो पापा आपकी बारी, पापा की बारी। चलो पापा, पापा फेंको फेंको, हाँ फेंको 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 फेंको। नहीं हुआ। चलो 2nd चांस, फेंको। ओह 2 गोटी बच गई, क्या बात है। चलो चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पापा तुमसे आगे हो चुके हैं अभी। फेंको 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 फेंको, तेज फेंकना थोड़ा। वाह रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड हो गया। तो ये पापा ने फेंके, क्या बात है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई है लेकिन कुछ नहीं गिरा। पापा और मम्मी के बीच में एकदम कांटे की टक्कर चल रही है। 63 एंड 64, पापा 1 पॉइंट से आगे चल रहे हैं। अभी मम्मी की बारी आएगी। मम्मी चलो 2nd चांस। ओ पूरे गिर जाएंगे, अरे बाप रे। बाप रे पूरे गिरा दी। यार एक ही गिरा। तो गेम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे रिजल्ट्स आने वाले हैं, कौन जीता है कौन नहीं भाई, लेट्स सी। तो ये है फाइनल स्कोर, मेरा 90, मम्मी का 76 और 70 बाबा का। जीत गई मम्मी तुम। क्या बात है। ये फाइनल स्कोर 90 मेरा, देन उसके बाद संगीता, देन उसके बाद नवनीत पापा का सबसे लास्ट में। चलो मैं तो बॉलिंग में मैं जीत गया हूँ, मम्मी 2nd, पापा। हम लोग आइस हॉकी खेल रहे हैं नेक्स्ट, जो कि स्टार्ट हो गया। चलो भाई मम्मी, समझ में आ रहा है तुमको? ओ बच गया। देखो उसमें क्या है, नहीं गया, कहाँ नहीं गया, अंदर चला जाता है, ये देख। चलो भाई तो गेम में हो गया। एक्शन में मज़ा आया मम्मी? बहुत मज़ा आया आज तो, आज मज़ा आया है, आज मज़ा आया है। चलो पापा ऊपर जा चुके हैं, हम लोग भी चलते हैं ऊपर। कहाँ है यहाँ से लिफ्ट? चलो अब तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, यहाँ से डिनर करेंगे जाके अभी। और बारिश आ चुकी है फिर से भाई, बारिश ने बहुत तंग कर रखा है, पता नहीं पुणे में भी बहुत बारिश हो रही है। बाय द वे गणपति बप्पा मोरिया भाई, गणेश चतुर्थी आ चुकी है। 10 दिन यहाँ पे पूरा ऐसा माहौल रहता है गणपति, तो सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और बस अभी खाना खाते हैं चल के, और ज़रा पापा से पूछें। पापा ने बताया नहीं कैसा लगा आपको गाड़ी उड़ी चला के, बॉलिंग? एक नंबर। चलो बढ़िया। तो अभी जा रहे हैं हम लोग जेएम रोड, वहाँ पे पांचाली करके एक रेस्टोरेंट है, बहुत सिंपल खाना मिलता है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, प्योर फॉर्म फैमिली रेस्टोरेंट, तो वहाँ चल के खाना खाएंगे। सो लेट्स गो। कैब आ रही है एंड कोइंसिडेंस इतना बड़ा है कि भाई इतने बड़े पुणे में सेम कैब ड्राइवर आ रहा है जिसने हमको कोथरूड से यहाँ पे लाया ना, अब सेम वही कैब वाले भैया ने हमारा जो राइड एक्सेप्ट किया है, तो वापस ही वही आ रहे हैं। सो तो सेम भैया आ चुके हैं वापस से अभी। हाँ ये प्रोजेक्ट है। चलो भाई, तो अभी हम लोग आ चुके हैं, दिस इज़ पंचाली रेस्टोरेंट, ये है पंचाली रेस्टोरेंट, जेएम रोड में है, जिसको नहीं पता है दिस इज़ जेएम रोड, यहीं पे करते हैं डिनर। तो ये आ गई है भाई ये थाली, चलो भाई। तो हमारे पापा यहाँ पे होटल की तारीफ़ कर रहे हैं कि कितना अच्छा उनको यहाँ पर खाना लगा है, और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा खाना है यहाँ का। तो बस यार ख़त्म करते हैं आज का वीडियो, आई होप आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, कोई भी सजेशन हो आप मुझे बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक एक सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलती है भाई। अगर आपको सस्ती ऑनलाइन शॉपिंग करने का शौक है तो हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको दिन भर सस्ती से सस्ती रील्स देखने को मिलती रहेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा डू गिव इट अ लाइक, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय।